एक सदी का महानायक अमिताभ बच्चन को अब लगता है कि वो अपना स्टारडम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनके घर जलसे के बाहर उमड़ने वाले फैंस की भीड़ में अब धीरे धीरे कटौती होती जा रही है। अब बच्चन साहब का ये कहना है कि फैंस के साथ मिलने का जो उनका रोमांच है वो धीरे धीरे फैंस के बीच कम होता जा रहा है, और साथ में इन्होंने बताया कि उनके लिए फैंस की भीड़ उनके घर के बाहर मंडराना उसका क्या महत्व है। अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि उनके फैंस उनसे मिलने के लिए अपने जूते और चप्पल उतार के रख देते थे, इसको उन्होंने अपने फैंस के प्रति भक्ति बताया है। अमिताभ बच्चन जी लिखते हैं कि मैंने ध्यान दिया है कि मुझसे मिलने वाली जो फैंस की संख्या है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है और दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है। अब लोगों की खुशी से चीखने वाली आवाज की जगह मोबाइल फोन के कैमरा ने ले ली है। अब इस बात से ये संकेत मिलता है कि अब समय बदल चुका है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जी हाँ, ये बात तो सच है कि जो 90s के दौर की संस्कृति थी वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब 80 साल के अमिताभ बच्चन सालों से अपने घर जलसे के बाहर अपने फैंस से मिलते आए हैं। वो फैंस की तरफ हाथ हिला के उनका अभिवादन करते हैं और इस मीटिंग दर्शन का नाम बिग बी के फैंस ने दिया है। और COVID-19 के बाद अमिताभ बच्चन जी के घर के बाहर फैंस का भीड़ बहुत ज्यादा कम हो गया और अमिताभ बच्चन भी हर किसी से नहीं मिलते थे। इस बार कुछ महीने पहले ही अमिताभ बच्चन जी के घर के बाहर भीड़ का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन फैंस की जो भीड़ है उसमें भारी कमी देखने को मिल रहा है और इससे अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा निराश भी हो चुके हैं, क्योंकि परिवर्तन ही तो संसार का एकमात्र नियम है। अमिताभ बच्चन एक सदी का बहुत बड़े महानायक रह चुके हैं। बचपन में हमने उनके काफी सारे फिल्में भी देखे हैं, लेकिन जनरेशन बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन हमेशा अमिताभ बच्चन हमारे दिलों में रहेंगे। खैर, इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।